गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल. आज है डे टू इन मुंबई और आज अभी सुबह सुबह आपने देख लिया होगा हमारे यहाँ फैन लगा है. तो हमारा ये एटमबर्ग का जो आजकल झांकी वाला फैंसी सा फैन चल रहा है ना, वो लगाया हुआ है सुबह सुबह. मतलब मैंने ना कल अर्बन क्लैप वाले को बुक कर दिया था कि जल्दी आ जाए ताकि जल्दी फ्री हो जाए, बट होता है ना आधा घंटा कोई डिले हो जाता है या क्या हो जाता है. तो मुझे इतना अच्छा लगा, उनका .8 o'clock पे कॉल आ गई थी, 8:30 पे ही वॉज देयर, मतलब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट थे. इतने पंक्चुअल लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ये चीज़ मुझे, मतलब ये बात मुझे मुंबई अपनी फ़ैन बना देता है भाई. मुझे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बहुत अट्रैक्ट करता है और यहाँ के लोगों में वो भर भर के है. ठीक है, तो वो फ़ैन लग गया है यहाँ पे, ये देखिए दिखाती हूँ आपको पीछे से. सो दिस इज़ द एक्चुअल फ़ैन. तो एकदम स्लीक सा, दुबला पतला सा है, हमारी पूरी थीम से मैच हो गया. इसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, जैसे ये 29 वॉट का होता है और जो हमारे नॉर्मल फैंस होते हैं वो 70 वॉट के होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम खाता है, ऐसा हमको भी बताया गया है. सो दो फैन जो अपन चलाते हैं नॉर्मल वाले, उसका ये वन फैन इक्वल्स टू वन होता है. बट द प्रॉब्लम है इसकी जो फैन है ये रेगुलेटर से नहीं, ये रिमोट से ऑपरेट होता है. मतलब यहाँ से अगर मैं स्विच ऑन कर दूँ, इन्होंने बाईपास करा है रेगुलेटर को, तो रेगुलेटर कुछ काम नहीं करेगा, आपको रिमोट से ही स्पीड उसकी कंट्रोल एंड वो सब करनी हुई है. तो एक वो जो होता था ना फैन को, अपन को धीरे, दो फायदे होते थे पुराने वाले फैन के. एक तो ये कि भाई आपको फैन को धीमा करना है, तेज करना है, तो आप उठ के जा रहे हो, आपकी बॉडी में थोड़ी चलना वरना हो रहा है, या इन्होंने रिमोट दे दिया पड़े पड़े, आप अपना फैन धीमा तेज कर लोगे. ठीक है, तो वो एक है, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है. इसके भी बन रहे हैं विक्की के, क्या बन रहे हैं, पोहे. दिखाती हूँ, ये बन रहे हैं पोहे. मैंने बोला था पानी नहीं है, आपने धोए कैसे, गंदे पानी से ऊपर फिल्टर में. हमारे फिल्टर में सिर्फ इतना पानी बचा है दिख रहा है, बस इतना पानी है कि ने पोहे धो दिए हैं. और हमारा जो काम है प्लम्बर वाला जो हमको करवाना है, जिसके लिए बेसिकली मैं आई हूँ, वो प्लम्बर जो है वो भैया गांव गए हुए हैं. और जिसने हमारा पूरे घर का काम किया है, बिल्डर के आदमी है वो भैया भी गांव गए हुए हैं. अभी क्या दिसंबर चल रहा है, शादी सीज़न भी काफ़ी चल रहा है, तो देखते हैं 2-3 दिन में वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद मैं वो काम करा के ही जाऊंगी, उसके बिना तो मैं नहीं जाने वाली हूँ. एंड आज का प्लान ये है कि अभी हम 11:30 पे, मेरा लंच तो निशा के घर पे ही है, और 11:30 पे हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए, ज्वेलरी शॉपिंग के लिए. सो आंटी को कुछ कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो बस वहीं जाएंगे हम लोग. और मेरे यहाँ पर एक ज्वेलर है जो, जिनसे अगर मुंबई से मुझे कुछ लेना होता तो मैं उन्हीं के यहाँ से लेती हूँ, तो वहाँ मैं उनको, आंटी को आज लेके जाने वाली हूँ. विक्की ने बना दिया है पोहे, प्लेटफॉर्म साफ करना है मुझे. हाय एवरीवन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना है. पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस ऑन द स्किन आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस आई गेस, व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू सन, पोल्यूशन एंड एक्ने एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सब का एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. हियर इज द डर्माकोज कोजिक एसिड एल ग्लूटाथायन डेली सिंडेट सोप, विच कम्स विद द पावर ऑफ कोजिक एसिड टू लाइटन सन स्पॉट्स एंड फोटो डैमेज. इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एल्ब्यूटीन एंड ग्लूटाथायन. ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में पिगमेंटेशन एंड साथ ही साथ मेलानिन प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइटर लगती है एंड साथ ही साथ फ्री फ्रॉम ऑल द डार्क स्पॉट्स होती है. ये जो सिंडेट बार है आपकी स्किन को क्लेंस करेगा बिना उसको ड्राई करे हुए, इनका जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको ये मेंटेन रखेगा. तो आइए देखते हैं कि इसको आपको यूज कैसे करना है. आपको क्या करना है, आपकी बॉडी को नॉर्मली वेट करना है, जैसे आप सोप यूज करते हो वैसे आपको सोप यूज करना है. इसको आपको एवरीडे यूज करना है. तो बॉडी के लिए बहुत कम चीजें मार्केट में अवेलेबल है. मैं ही एग्जाम्पल देती हूँ, इफ यू सी क्लोजर टू माई हैंड, आप देखोगे अगर पास से तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मेरा ये वाला जो हाथ है दिस इज मोर पिगमेंटेड देन दिस हैंड. मतलब इसमें इस वैसे ही मेरे हाथ काफी पिगमेंटेड है, मतलब काफी ज्यादा इनमें सन डैमेज हो रखा है, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली देखोगे सो यू विल सी एंड यू विल नोटिस अ डिफरेंस. कि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये और ज्यादा पिगमेंटेड है, मतलब इसमें और ज्यादा सन डैमेज हो रखा है इसके कंपेरिजन में. वाई, बिकॉज आई ड्राइव कार और यूजुअली इसी हाथ से मैं कार चलाती हूँ, ये हाथ मेरा नीचे होता है तो ये बहुत ज्यादा सन के कॉन्टैक्ट में आता है. और ज्यादा से ज्यादा क्या करती हूँ मैं, बस थोड़ा बहुत सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, बट वो भी आपको हर 2 घंटे में लगाना पड़ता है, तो कितना ही मैं प्रोटेक्ट कर लूंगी अपने इस हाथ को. सो दैट इज द रीजन मैंने अभी इसको कुछ दिनों से यूज करना स्टार्ट करा है. इसमें जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है वो है कोजिक एसिड, पावर्ड विद एंटी एजिंग बेनिफिट्स. कोजिक एसिड लाइटन्स द पिगमेंटेशन, जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको लाइटन अप करने में हेल्प करता है. फेस के लिए आई एम यूजिंग दिस 2%
कोजिक एसिड फेस सीरम फॉर डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन. जो 2% कोजिक एसिड सीरम है विच हैज द पावर ऑफ टू एक्टिव्स, दैट इज 2% कोजिक एसिड एंड 1% अल्फा अर्बुटीन टू ट्रीट पिगमेंटेशन एंड रिड्यूस डार्क स्पॉट्स. कोजिक एसिड जो होता है आपकी स्किन पे पेनिट्रेट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को कम करता है. जो 1% अल्फा अर्बुटीन है वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन को, आपकी स्किन को काफी इवन टोन बनाता है. तो इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करिएगा. जब भी आप एक्टिव यूज करते हैं अपने स्किन पे तो हमेशा उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना है आपको. सो लिंक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट डिस्काउंट द डर्माको की वेबसाइट पे. एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देम, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि. दे हैव प्लेज्ड टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर, व्हिच इज अ रियली रियली गुड कॉज. तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे कॉज के पीछे आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. डर्माको के जितने प्रोडक्ट्स हैं यार फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं. तो यस, अब चलते हैं हम हमारा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. ये है पूरा हमारा मचा हुआ प्लेटफॉर्म, फटाफट से क्लीन करती हूँ. सो आई जस्ट यू नो आपको दिख रहा है आई वॉश्ड द किचन. और देखोगे ना तो प्लेटफॉर्म्स में ये नहीं लगवाया जाता है, ये जो हमने अलग से लगवाया ताकि जो पानी है वो बाहर ना आए. तो उसकी वजह से ना बड़ी दिक्कत आती है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप वॉश कैसे करोगे किचन को, राइट. किचन इज क्लीन. हाँ तो मैं वही बता रही थी कि इस तरीके का ना ये बनवाना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा मैं कितनी इजीली वॉश कर पाई. तो होता है हम लोग बिल्कुल एकदम मॉडर्न किचन के चक्कर में ना ये लगवाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है जो बाद में इशू क्रिएट करती ही करती हैं. सो डू नॉट गो फॉर दिखावा, गो फॉर प्रैक्टिकलिटी. अरे इंडियन वाली जो पहले से किचन चलते आ रहे हैं उसको मिक्स करके आप मॉडर्न किचन बनवा सकते हो. सो यस, अब मैं जाती हूँ शार लेने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ. ओके गाइस, सो आई एम रेडी. और मैंने पहना एकदम सिंपल सा ये वाला टॉप, और ये है मेरी जीन्स, एंड यस लेट्स गो. ये वाला बैग लेकर के जा रही हूँ. To just get tired chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ निशा के घर पे, और अब हम लोग निकलने वाले हैं. सो एक्चुअली पहले कार से जाने वाली थी मैं, बट आज विक्की ने अपनी उसकी बस छूट गई है गलती से. तो उसके बाद जो बस आती है वो एक घंटे बाद आती है, तो वो अपने ऑफिस का मतलब बिकॉज 12 o'clock पर उसकी मीटिंग थी तो वो कार से निकल गया. तो अब हम लोग ऑटो या ओला करके चले जाएंगे. कल भी हम लोग का प्लान है, कल मैं और निशा अगेन लंच डेट पे जाने वाले हैं. और या सो यही है अभी तो फिलहाल. बहुत अच्छी हुई है. क्या हुआ है कि मतलब निशा की जो बिल्डिंग है ना वो भैया चेयरमैन है यहाँ के. तो क्या हुआ था कि उन्होंने हम लोग ने कल पार्टी मतलब हम लोग ऐसी नॉर्मल पिज़्ज़ा पार्टी हम लोगों ने कर ली थी. आंटी की जो नेबर है वो भी हम लोग के एज के आसपास हैं, सो शी इज़ ऑल्सो वेरी कूल. तो हम सब बैठ करके मस्त ऐसे चिल विल मार रहे थे, तो वो स्टेटस उन्होंने डाल दिया होगा वहाँ पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, तो उन्होंने देखा होगा. देन शी कॉल्ड हर एंड शी लिटरली आस्क हर कि मेरे को मिलना है उनसे एंड ऑल दैट. तो मैंने निशा को बोला, मैंने कहा अरे उनने फिर मुझे, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो बिल्कुल मिलने के लिए रेडी हूँ, उनको बोल देना. सो मैं अपनी उन सब्सक्राइबर से मिलूंगी, जब मैं मिलूंगी तब मैं डेफिनेटली ब्लॉग का क्लिपिंग दूंगी. मैं निशा से यही बोल रही थी, मैंने कहा अगर हम शायद यहाँ फेस्टिव टाइम में होते ना, जैसे मैं फेस्टिव टाइम में यहाँ पर नहीं थी, तो क्या होता है फेस्टिविटीज़ में, फेस्टिवल्स में नीचे बहुत गैदरिंग्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो शायद हमको और पता चलता. निशा और मैं यही बात कर रही थी, मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मुझे लगता है जो व्यूअर्स हैं या जो जानते हैं चुके होंगे मुझे ऐसा करके, बट कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर वो चीज़ कर लेंगे. तो मैं वही उनको बोलती थी, मैंने कहा यार उनको बता देना मिल लूँगी मैं उनसे, तो बस ये रेडी हो जाए. उसके बाद अभी मैंने लंच वंच भी कर लिया है यहीं पर, और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं. फिर शाम को जो डिनर है वो आंटी के घर पर है. ओके गाइस, तब लोग निकल गए हैं, आंटी का वेट कर रहे हैं. आंटी आ रही है हमारी टुकटुकियों पे. हेलो.
much better. Hi guys, so I'm back और आकर के मैं मस्त तरीके से सोई हूँ एक घंटा और अभी आज शाम को भी निकलूंगी या डिनर पे मुझे आंटी के घर पे जाना है जी. मैंने कुछ ऐसे हैवी ज्वेलरी होती है ज्वेलरी आप इन शॉर्ट आप बोल सकते हो तो बहुत एक बड़ा मतलब आप सोचो कि कोई इंसान मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है और मेरी चीज़ों को इतना मानता है पसंद करता है मुझे कि इतना बड़ा डिसीजन उसके कितनी बहुत दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग राइट. शॉपिंग गोल्ड इज़ समथिंग वेरी वेरी पर्सनल और आप उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होते हो करने के लिए जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो और जिनको आप अपने जिनके साथ आप अपने फाइनेंसेस शेयर कर सकते हो राइट. हर किसी के साथ गोल्ड शॉपिंग ये सब चीज़ नहीं होती है. तो मैं आंटी के साथ गई थी तो मुझे बड़ा अच्छा था मतलब ऐसा लग रहा था मैं उन्हीं के मतलब जैसे आंटी कंसिडर भी मुझे ऐसे ही करती है जैसे निशा है वैसी मैं हूँ ऐसे करके. तो बस हम लोग वही लेकर के आए. काफ़ी देर हो गई थी फिर वहाँ से आकर के सब अपने अपने घर गए. आंटी अपने घर गई निशा अपने घर गई मैं अपने घर आई और सब मेरे ख्याल से सोए होंगे मस्त तरीके से. और अब हम कल फिर से जाने वाले. कल एक्चुअली प्लान ये था कि और हम लोग हमारी सोसाइटी के एंट्रेंस पे बटरफ्लाई हाई खुला है यहीं पे पास में और बहुत टाइम से हमारा चल रहा था जाएंगे 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 जाएंगे. बट शुरू में मैं बिजी थी घर हमारा शिफ्टिंग चल रहा था और ये सब चल रहा था तो नहीं जा पाए. फिर उसके बाद हम भोपाल निकल गए. सर्विस लाइक ठीक है कल चलते हैं बट कल फिर से हम लोगों को गोल्ड शॉपिंग पर जाना है. कल हम दूसरी चीज़ें लेने वाले हैं लाइक रिंग्स विंग्स और एक आध और ऐसी कुछ चीज़ें लेनी है तो वो लेंगे कल. और आंटी बोलती भाई तुम मेरा काम करवा करके जाना रिंग्स वगैरह लेना है. फिर उसके बाद परसों टीनू आने वाली है. सैटरडे को टीनू यहाँ पर आएगी. लोग ना जब मुंबई में रहते थे तो इसके साथ तीन और फ्रेंड्स रहती थी. सबकी शादियों की बस एक बची है तो उसकी शादी है जनवरी में. तो उसके लिए साड़ी वगैरह हम लोग टीनू की जो साड़ी में शादियों में पहनेगी वो कपड़े हम लेकर के आए हैं यहाँ पर. तो वो दोनों आ जाएंगे यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए. तो सैटरडे वो आएगी और फिर संडे हमारा क्या प्लान है. संडे भी मैं यहीं पर हूँ तो मैं बस प्रे कर रही हूँ कि उस बीच में हमारा ये प्लम्बर वाला जिसके लिए मैं आई हूँ वो काम भी हो जाए. यार पीने का पानी नहीं है और दूसरी चीज़ कपड़े धोने के लिए हमारी मशीन नहीं चल रही है. हालांकि चलो ठीक है वो मैं हाथ वाथ से धो लेती हूँ इतने कपड़े निकलते तो है नहीं कि ऑफिस से आता है बस एक उसका रहता है थोड़ा बहुत और डेली के जो अपने रहते हैं. तो इट्स नॉट अ बिग इशू मैं धो लेती हूँ हाथ से बट फिर विक्की अकेला रहता है ना तब उसके लिए दिक्कत हो जाएगी. तो इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि वो सब काम हो जाए. और सबसे मेन चीज़ है कि सफाई करके चली जाऊँगी मैं ताकि क्योंकि किचन में यार कुछ होता है तो मेरा दिमाग सटक जाता है. किचन से मेरे को बहुत अटैचमेंट है. शाम हो गई है पूजा वूजा करते हैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश होती हूँ फिर अपन चलेंगे. तो आज आंटी का सोफा वगैरह भी आया है तो वो दिखाऊंगी मैं आपको. आंटी का घर दिखाऊंगी आज मंदिर दिखाऊंगी उनका और उनका सोफा जरूर दिखाऊंगी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला था ना नेक्स्ट टाइम मैं पक्का दिखाऊंगी. सो या लेट्स गो. आई एम रेडी एंड येस ये मैंने पहना हुआ है लूसी टी शर्ट और लोअर. हम से चिल मार करके बैठते हैं हम लोग तो आलती पालती मार के पैर वैर फैला करके. सो ये सबसे ज़्यादा कम्फर्ट क्लोथ्स होते हैं और फिर यही जाना है पास में सो इसलिए भी. और हाँ चलिए चलते हैं. तो आंटी ने डिनर बनाया था पूरी खीर और आलू की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. और अब मैं आपको आंटी का टूर कराती हूँ. तो ये है लिविंग रूम. अभी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं तो ये जो सोफ़ा है आपको थोड़ा थोड़ा मैच लग रहा होगा मेरे सोफे के जैसा. तो मैंने आंटी को जो रफ़ डिज़ाइन थी ना हमारे सोफ़े की वो दे दी थी तो मिलता जुलता ही है हम लोगों का. इवन हमारे टेस्ट भी बहुत सेम है. उसके बाद ये आंटी ने विंग चेयर बनवाई है मतलब. बट उनको शी इज़ कॉन्टेम्प्लेटिंग कि रखें कि नहीं रखें. तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि क्योंकि उनका जो डाइनिंग टेबल है वो 6 सीटर आने वाला जो इसके पीछे रखाने वाला है तो माइट बी पॉसिबल वो थोड़ा बल्की लगे. तो आप लोग सजेस्ट करना कैसा लगेगा. नाउ दिस इज द टीवी यूनिट. काफी स्लीक एंड मिनिमल है एंड पूरा आप थीम देखोगे ना तो बहुत मिनिमल थीम रखा हुआ है एंड थोड़े थोड़े ट्रेडिशनल उसमें टचेस आएंगे अभी. नाउ दिस इज द टेम्पल और टेम्पल के साइड में जो जगह है ना वहां डाइनिंग टेबल आएगा जो कि 6 सीटर है. बन रहा है वो भी. जब आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी. और यहां पर मंदिर में अभी छोटी छोटी बेल्स लगने वाली है घंटियां लगने वाली हैं और काफी सुंदर लग रहा है मुझे मंदिर भी एकदम सिंपल सा सोबर सा एंड क्लासी सा. सो ये है मंदिर. उसके बाद ये जो बीच का पोर्च और एरिया होता है ना वहाँ पे ये वाली लाइट लगी हुई है पेंडेंट लाइट है जो कि बटरफ्लाई स्टाइल में. नाउ दिस इज द एंट्रेंस ऑफ बेडरूम. कार्विंग करी गई है वुड से जो कि बहुत अच्छी लग रही है. मैंने बताया ना हल्का हल्का सा ट्रेडिशनल टच आएगा ही आएगा. एंड ये है मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम का ये जो किंग साइज बेड बनवाया है आप इसमें पीछे देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये. सो मॉडर्न एंड थोड़ा ट्रेडिशनल टच इस बार आंटी ने किया हुआ है. जो लास्ट उनका घर था वो पूरा राजस्थानी थीम
क्रीम बेस्ड था. अभी भी आप देखोगे तो हल्के हल्के टचेज हैं उस तरीके से, जो कि बहुत क्लासी लग रहे हैं. एंड ये पूरा वार्डरोब है. और अभी यहाँ पर भी अभी कुछ कुछ चीज़ें होनी है, मतलब दिस इज़ नॉट कम्प्लीट सेट. और ये जो बेड साइड टेबल्स हैं, इस पर लैम्प्स आने वाले हैं और होना है, मतलब धीरे धीरे चल रही हैं चीज़ें. कंप्लीट हो जाएगा तब एक बार और आपको पूरा लुक दूंगी मैं. और उसके साइड में आप देखेंगे तो मिरर लगाया हुआ है बहुत अच्छा सा, फुल साइज का. नाउ दिस इज द विंडो. कर्टन्स आने वाले हैं यहाँ पर भी. बहुत शानदार, अमेजिंग. चुम्मेश्वरी, ये मैं, आपकी रुचि स्टाइल. और ये है हम लोगों का, हम लोगों का बोल रहे हैं, हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है. जब तक भाभी नहीं है तब तक हमारा है. तो ये है बैल्कनी इस बेडरूम के साथ की. और ये है सामने का व्यू जो कि बड़ा प्रिटी सा है. और ये हॉब है बिल्ड इन, जो कि आंटी ने नहीं लगवाया. बेस्ट डिसीजन लिया है, बेस्ट डिसीजन. तो हाँ, तो हम लोगों ने हॉब नहीं लगवाया था, वो उसका रीजन ये है. ये बहुत भुगत चुकी है हॉब से, इतना परेशान त्रस्त हो गई थी कि मुझे बोलती थी रुचि कभी हॉब मत लगाना, भले ही कितने भी कोई तुमको पैसे दे, फ्री में दे, कैसे भी करे, हॉब मत लगवाना. और आंटी का तो सोचो, नया की नया बिल्डर ने दिया उनको, और एलिका ब्रांड का है. सोचो मतलब लोग लगवाते हैं इस ब्रांड का, तो उनने बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है. उनने गैस लिया जो नॉर्मल वाला होता है, विच इज अ बेस्ट डिसीजन. आई थिंक आंटी बहुत खुश रहेंगी. आप अपने आप जब भी अपग्रेड हो, अब नेक्स्ट उसमें बिल्कुल हॉब नहीं लगवाना. और ये है सेकेंड रूम जो की है आंटी का, और हम दोनों यहाँ से दिख रहे हैं. हाँ, तो ये बेड है जो कि बहुत सही लग रहा है. ये एक्चुअली इसमें येलो दिख रहा है, बट हल्का सा येलो एंड गोल्डन मिक्स है. पीछे वॉलपेपर लगाया है, एक लैंप लगाया हुआ है. ये आंटी की वार्डरोब है, अमेजिंग. और दो बेड साइड टेबल्स हैं, और यहीं पे मिरर लगा हुआ है. ये हमारी आंटी है, और ये हमारे अंकल हैं जिनसे हम ज़्यादा मिले नहीं हैं. अंकल से कहाँ मिले, भैया अंकल से तो मैं फर्स्ट टाइम घर प्रवेश में मिली. हाँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे ना सामने, तो अगेन कार्विंग किया हुआ है, ब्यूटीफुली कार्व्ड. ओके, तो सेंटर टेबल अभी आया नहीं है. सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल सब आएगा, तब फिर से एक और व्यू वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को. जो होता है ना अभी, क्योंकि ये देखो वॉल्स ये सब एम्प्टी है ना, तो धीरे धीरे जो जो बेस्ट लगता जा रहा है वो करने जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है. दिस टाइम द थीम इज़ वेरी मिनिमल, मिनिमल विथ लिटिल बिट ऑफ, हाँ, वाइट एंड गोल्ड का थीम है. एंड क्योंकि मैंने इनका जो लास्ट देखा था ना, वो बहुत कलरफुल एंड राजस्थानी ट्रेडिशनल, बट बहुत ज्यादा गोल्ड मतलब एक्सट्रीम नहीं, वो ट्रेडिशनल भी था उसमें. हाँ, बहुत सारे सब एलिमेंट्स ऐड थे, अभी इसमें ट्रेडिशनल एलिमेंट्स इतने एडेड नहीं है, हो रहे हैं ऐड धीरे धीरे. लेट्स सी स्लोली स्लोली. यस, यू. खाना खाने के बाद हम लोग नीचे वॉक पे चले गए थे, एंड फिर घूमते घूमते हम लोग निशा की सोसाइटी पहुंच गए थे. उनके जस्ट घर के पीछे माटो माटो और रिकीज बार एंड किचन ओपन हुआ है. प्लैनेट हॉलीवुड उनके साइड में है, और ये प्लैनेट हॉलीवुड के पीछे है. तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, यहाँ का वाइब ले रहे थे, बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था. तो हम बस वही प्लान कर रहे थे नेक्स्ट हम कब यहाँ पर आएंगे. ओके गाइस, तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, टहलने के लिए निकले हुए. ये रही निशा, और ये है पूजा. हाय हाय पूजा. ये निशा की नेबर है, बन गए हम लोग अभी, फर्स्ट टाइम ही मिले ऑल दो. सो यस, ओके गाइस, सो आई एम डन विथ द डे. विक्की आ गया है, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह.